आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां 37-37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं और अगर गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने की बात की जाए तो बीएसपी और एसपी दोनों ही पार्टियां रायबरेली और अमेठी को छोड़कर कोई और सीट कांग्रेस को देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? यूपी के संदर्भ में इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस ने प्लान बी तैयार किया है। पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस इस स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 2014 में पंजाब में अपनाई गई रणनीति को ही इस बार यूपी में भी अपना सकती है। इस रणनीति के तहत पार्टी के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वर्ष 2009 में यूपी में 21 सीटें जीती थी, लेकिन वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए अभी से रणनीतियों पर विचार तेज कर दिया है, वो भी तब जब बीएसपी और एसपी के बीच बन रहे गठबंधन में कांग्रेस की जगह मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के रणनीतिकार रहे पीएल पुनिया और समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव के बीच बंद कमरे में बातचीत की भी खबर मिल रही है। करीब 2 महीने पहले नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता आ गए हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल खेमे में 50 पूर्व विधायक एमएलसी एमपी शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी के दलित बहुल जिलों में पार्टी की साख बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके इस काम में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी साथ देंगे। आजाद ने अभी चुनाव लड़ने को लेकर रजामंदी तो नहीं दिखाई है, लेकिन वो देश भर के दलितों को एकजुट करने में लगे हैं। वैसे चंद्रशेखर ने मायावती को समर्थन देने की बात भी कही थी। ऐसे में देखना यह होगा कि अगर बीएसपी और एसपी गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिलती है तो पार्टी का प्लान भी कितना कारगर साबित होगा। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।